चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 28वां स्थापना दिवस व्यापारी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित भार्गव प्रिंटिंग प्रेस के सभागार में आयोजित किया गया। व्यापारी दिवस पर बोलते हुए वक्ताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की कि देश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला, देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला व्यापारी को सम्मान देकर 3 दिवस को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। दूसरा, जिसे शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र में जिस प्रकार विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार पंजीकृत व्यापारियों से व्यापारियों को चुनकर विधान परिषद भेजा जाए। देश व प्रदेश में व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाया जाए। देश और प्रदेश के उद्योग एवं व्यापार को इंस्पेक्टर राज से पूर्णतः मुक्त रखा जाए। कार्यक्रम में व्यापारियों को व्यापारी शिरोमणि से सम्मानित किया गया। आपने जो कार्यक्रम किया है, व्यापारियों को सम्मानित किया, कुछ व्यापारी नए जोड़े हैं, इसमें क्या कहा गया? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 28वां जो है वो स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग 28 सालों से व्यापारी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। इस वक्त प्रधानमंत्री जी से हमारी 3 जो है वो मुख्य मांगें हैं, जिसको लेकर निरंतर प्रयास जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है। उसमें सबसे प्रमुख मांग जो है वो 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए और पेट्रोलियम पदार्थ जैसे GST के दायरे में लेके आया जाए, उसको पेट्रोल डीजल रसोई गैस को जो है वो उसके GST के दायरे में लेके जाए आया जाए, जिससे महंगाई जो है वो कम हो। इसके अलावा GST में जो खामियां हैं उसको दूर करके व्यापारियों पर कोई अर्थदंड न लगाया जाए। चूँकि आज की प्रमुख मांग जो है वो व्यापारी दिवस घोषित करने की है, ये प्रधानमंत्री जी से मांग है। क्योंकि हर 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 जो है वो, जैसे कि शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस और बाल दिवस, मदर्स डे, सारे दिवस होते हैं, व्यापारी सबसे ज़्यादा राजस्व देता है सरकार को, इसलिए सरकार से मांग है कि वो 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित करें। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से आज जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापारी मंडल का 28वां व्यापारी दिवस है, उसके लिए हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। और कुछ आवाज़ अब व्यापारी बंधु हमारे उठाना चाह रहे हैं, उसके बीच की उसी के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सबका सम्मान हो रहा है, कुछ नए लोगों को जोड़ा गया है, उनका हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज हमारा 3 सितंबर व्यापारी दिवस है। हमने आज चंदौसी में 20 व्यापारियों को सम्मानित किया है, उनको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है, क्योंकि व्यापारी सम्मान का भूखा होता है। हमारी सबसे पहली मांग जो है कि भारत में व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित किया जाए, ताकि व्यापारियों को वो सम्मान मिले, क्योंकि व्यापारी सबसे आगे बढ़ करके कार्य करता है। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि व्यापारियों को विधान परिषद में स्थान दिया जाए, जिस तरह शिक्षक को दिया जाता है, स्नातक को दिया जाता है, उस तरह व्यापारियों को भी विधान परिषद में स्थान दिया जाए, ताकि जो सम्मान शिक्षकों को मिला है, स्नातकों को मिला है, वो व्यापारियों को भी मिले। हम ये चाहते हैं कि भारत में व्यापारियों को जिस तरह से परेशान किया जाता है, इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए और व्यापारियों की बात सीधी सरकार से हो और हम सीधी सरकार से बात कर सकें। हम व्यापारियों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगभग 20 वर्ष से, और आज हमने ये राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित करने की एक महत्वपूर्ण मांग भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से और योगी आदित्यनाथ योगी जी से की है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मांग हमारी शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी और हम व्यापारियों के लिए अपने तरफ से कुछ कर सकेंगे। इसके अलावा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो GST के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को लाया जाए।